वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हस्बैंड के कपड़े लेकर आ गई हूँ। तो नवरात्र चल शुरू हो गया है और आज हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा बनते हैं, तो दुर्गा पूजा में हम सब शॉपिंग करती हूँ, आप लोग को वो पता है। तो हस्बैंड के क्या क्या शॉपिंग किया आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए एक डार्क ग्रीन की एक पंजाबी है, कुर्ता कॉटन के साथ है और एकदम लाइट येलो ग्रीन, लाइट ग्रीन की है। छोटे पूरे सादा लग जाए, सी ग्रीन के बहुत लाइट है, पर कैमरा में कितना आ रहा है पता नहीं। एक शर्ट है, ये मेरे मायके से आया है, मम्मी के पापा के तरफ से। साथ ये पैंट मम्मी के तरफ से, ये भी मम्मी के तरफ से, पापा मम्मी की तरफ से। तो हस्बैंड का एक और ड्रेस हुआ, ये देखिए, यह कुर्ता तो ये मैंने ऑनलाइन से खरीदी हूँ। टी शर्ट है जो मेरे मायके से आया है मम्मी पापा की तरफ से। इसको इसके अलावा जो भी दिखा रही हूँ सब मम्मी पापा की तरफ से, और मम्मी पापा इतने सारे देते हैं तो इसलिए हस्बैंड खुद के लिए कुछ भी नहीं देते हैं। शर्ट तो नहीं लिया खुद की तरफ से, तो एक पैंट लिया। और आप लोगों को शायद पता नहीं, मैं एक अपने के बिजनेस करती हूँ, ऑनलाइन बिजनेस। तो मेरे जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके तरफ वहाँ से मैं ये खरीद लिया, ये हस्बैंड के लिए मैंने लिया। और पैंट ये हस्बैंड ने खुद लिया। और ये शॉर्ट्स, और ये शॉर्ट्स लिया घर के लिए, थ्री शॉर्ट्स है घर के लिए। तो मेरे हस्बैंड अपनी तरफ से सिर्फ पैंट लिए, पैंट ही पहन। और मेरे एक मामा जी हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो वो मामा जी के लिए शर्ट लिए, मामा जी के लिए। जेठ जी का भी एक छोटा सा बेबी है 1 साल के, सी ग्रीन कलर है ये, तो उसके लिए भी ऐसे ही ड्रेस लिया। तो दो छोटा छोटा बेबी, एक ही एज का है, दो बेटे छोटा छोटा बेबी, तो दोनों के लिए एक जैसे ही लिया, पर ये जैसे जैसे बहुत अच्छे लगता है इसलिए। हस्बैंड और जो देना है वो सारे वीडियो सारे कपड़े मैंने दिखा दिया, और बहन का अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, और मम्मी का कपड़े हो गया जो मैंने मायके भेज दिया, तो बाद में दिखा दूंगी। बहन जब शॉपिंग हॉल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उसमें वो सब कुछ ऐड कर देंगे। तो मेरा ये हस्बैंड और ये सारे कपड़े कैसे हुआ प्लीज़ बोलिए। इसके लिए वीडियो को अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और कमेंट करके बोलिए कैसे लगा ये सारे कपड़े। और जो भी न्यू है चैनल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।